सीरियल लेडी स्पेशल में बिंदु की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। भाई अभी कुछ दिन पहले ही तो बिंदु को अमर और कंगना के अफेयर के बारे में पता चला था और अब अमर के एक्सीडेंट ने बिंदु की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। सीरियल लेडी स्पेशल में फाइनली अमर की नाजुक हालत में सुधार आ गया है, लेकिन आज अमर के सारे सपने टूटकर बिखर गए हैं। शॉकिंग है लेकिन सच है। अब ये तो आपको हमने दिखाया ही था कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी सलामती की दुआ बिंदु गणपति बप्पा से मांग रही हैं। लेकिन आज का नजारा तो बेहद दर्दनाक है। अमर को होश जरूर आ गया है, लेकिन उनके साथ हो गई है एक ट्रेजेडी। कुछ नहीं। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो हुआ? वैसे तो बहुत कुछ हुआ है बिंदु। मेरा एक्सीडेंट हुआ, इलाज हुआ, अब मैं ठीक हो गया हूँ और डिस्चार्ज होकर घर भी जा रहा हूँ। इतना कुछ तो हुआ है। आपको पता है ना कि मैं आपका फेस रीड कर सकती हूँ। चलिए अब जरा हम इस राज पर से पर्दा उठाते हैं और आपको अमर की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से अमर का लेफ्ट हैंड अब किसी भी काम का नहीं रहा। लेकिन मेरे इस लेफ्ट हैंड से शायद मैं कभी कोई काम नहीं कर पाऊंगा। बिंदु, मेरे बाएं हाथ का खेल मेरे बाएं हाथ में ही बिगाड़ दिया। मेरे ब्रेन में जो डैमेज है उसकी वजह से अभी हाथ कभी काम नहीं करेगा। ये भी नहीं हो सकता। ऐसे में अमर अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे ही बिंदु का इस हकीकत से सामना हुआ, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और ये सुनते ही बिंदु दर्द में तड़प उठी। हालांकि अमर बिंदु को दिलासा देते हैं और उनके आंसू भी पोंछते हैं। लाल लाल सुंदर आंखों में आंसू देखिए तो 50 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी? मोटा पापा अभी अभी हार्ट अटैक से उठे। आंसू पोछ लो बिंदु, मोटा पापा और मोटी मम्मी किसी भी वक्त आ सकते हैं और अगर उन्होंने तुम्हारी ये सुंदर सुंदर आंखों में आंसू देखी है तो 50 सवाल करेंगे, क्या जवाब दोगे? मोटा पापा कुछ वक्त पहले ही हार्ट अटैक से बाहर निकले। चलिए अब सीधा चलते हैं बिंदु के पास और जानते हैं पूरे सीक्वेंस के बारे में। अमर जी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे थोड़ा सैड होना चाहिए बट मैं इतना रो रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा मौका मिल रहा है तो मैं हंस देती हूँ। ऐसे कि अमर जी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके हाथ में प्लास्टर आया है और मुझे अभी पता चला अभी अभी कि वो वापस एक बार MRI करवाने गए हैं और पता चल रहा है कि उनका जो दूसरा हाथ है वो कभी उठ नहीं पाएगा। एंड फॉर अ सर्जन और उनका हाथ नहीं चल रहा है, ही कैन नॉट डू सर्जरी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक डॉक्टर से उसकी जान नहीं ले रहे। सो इतनी भावुक सिचुएशन करके आए हम। अमर दुखी, उल्टी का अमर मुझे ऐसे कंसोल कर रहा है कि इट्स ओके, बच तो गया, मेरी जान जा सकती है, अब उसके पास भी कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। सो ये सब सीन कर रहे हैं और जैसा आप देख लो मेरे गाल पे और सब मांस ही, मुझे किसी ने मारा नहीं है। तो मैं होली खेल के आई हूँ और आके मुझे ये न्यूज़ मिली। पहले तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि उनको डिस्चार्ज हो रहा है, देन आई गॉट टू नो के MRI हो रहा है और उनका हाथ नहीं चल रहा। सो ऐसी भावुक सी सिचुएशन चल रही है। तो बिंदु जरा ये भी बता दीजिए कि अब आप अमर को कैसे जल्द से जल्द ठीक करेंगी? मतलब जैसे अमर जी का हमने किरदार अब तक देखा है कि ही इज वेरी रियली नाइस डॉक्टर, शहर के जानी मतलब बहुत ही नामी डॉक्टर है। आई थिंक फर्स्ट स्ट्रीम में आते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। ये हॉस्पिटल को एक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर भी देने वाले थे अपने पैसे से एंड ऑल। एंड अब उनके हाथ नहीं चलेंगे तो हार्ट ट्रांसप्लांट का, जैसे बिंदु बोलती है हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कैसे करेंगे? चलिए हम तो यही चाहेंगे कि आपके लाइफ की ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए और अमर पहले जैसे फिर से हो जाएं। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।